एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का रूटीन मेरा हो गया है, सारा काम हो गया और नहाना धोना, पूजा भी हो गई मेरी। और अब चाय मैं पी रही हूँ। ये देखिए, हम लोगों की चाय आ गई है। ये वाली मेरी है। ये देखिए, चाय हमारी आ गई है। और चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर अभी खाना बनाना है। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ, मैंने चढ़ा दिया है चने की दाल और चावल रोटी बनाएंगे। हाँ, तो गाइस कल बहुत लेजी फील हो रहा था और आज लेकिन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, फ्रेश लग रहा है थोड़ा। तो बने रही है हमारे ब्लॉग में और देखते हैं पूरा दिन क्या होता है, आपको दिखाते हैं। गाइस, कल की मैगी आज भी मुझे याद है। कल की मैगी बहुत अच्छी बनी थी लेकिन थोड़ी कच्ची थी। देखो, मम्मी ने मेरी कह दिया कच्ची थी। कच्ची नहीं थी मैगी, कच्ची नहीं रहती है। वो पानी बॉईल, उबलते हुए पानी में डाल दो तो तुरंत पक जाती है। 2 मिनट में, मैंने तो 10 मिनट पकाई थी, गल गई थी। कैसे खोल रहा है? गाइस, आप भी हमारे साथ चाय पीजिए। ये देखिए, वाइट ब्रेड, हम इसको चाय में डिप। तो आज के नाश्ते में हमारा यही है, सिंपल चाय, ब्रेड और नमकीन। मेरी बहन अभी इसलिए नहाने गई, इसलिए आपको दिख नहीं रही है। अभी तन्नू नहाने गई है तो हमने नियम बना दिया है, क्योंकि बच्चे बहुत लेजी हो गए थे जब से स्कूल बंद हो गए, तो ये इनका नहाना धोना काफ़ी लेट हो जाता था। तो मैंने इन लोगों का एक रूल बना दिया है कि जब तक आप लोग नहाएंगे नहीं तो आप लोगों को चाय नहीं मिलेगी। तो ये नहा चुका है तो इसको चाय मिल गई है, अभी वो नहा रही है। तो गाइस, तनु भी नहा चुकी है, ये देखिए, ये भी नहा के आ चुकी है। अब मुझे बनाना है खाना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कुकर में मैंने चने की दाल रख दी है उबलने के लिए, और तैयारी कर लेते हैं इसको छौंकने की। तो इसको मसाला पीस के और कढ़ाई में इसको हम छौंकेंगे, जैसे सब्जी बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं हम चने की दाल। पहले उसको बॉईल कर लेते हैं, जब अच्छे से बॉईल हो जाती है तो उसको कढ़ाई में प्याज, लहसुन, मिर्ची, थोड़े से मसाले डाल के सब फ्राई करके और उसी में डाल देते हैं, जैसे छोले लोग बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं चने की दाल। तो अभी बनाते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। तो गाइस, तनु भी नहा चुकी है, ये देखिए, ये भी नहा के आ चुकी है। अब मुझे बनाना है खाना, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कुकर में मैंने चने की दाल रख दी है उबलने के लिए, और तैयारी कर लेते हैं इसको छौंकने की। तो इसको मसाला पीस के और कढ़ाई में इसको हम छौंकेंगे, जैसे सब्जी बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं हम चने की दाल। पहले उसको बॉईल कर लेते हैं, जब अच्छे से बॉईल हो जाती है तो उसको कढ़ाई में प्याज, लहसुन, मिर्ची, थोड़े से मसाले डाल के सब फ्राई करके और उसी में डाल देते हैं, जैसे छोले लोग बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं चने की दाल। तो अभी बनाते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। आज मुझे लगा गाइस, हो चुकी है शाम और हो चुकी है मेरी शाम की पूजा।
और अब जा रही हूँ मैं बनाने शाम की चाय। शाम के नाश्ते में बच्चों को ले रहे हैं दूध ब्रेड। तो बच्चों का नाश्ता रेडी है, ये देखिए दूध ब्रेड बच्चों को दे रहे हैं दूध ब्रेड, और हम बना रहे हैं अपने लिए चाय, ये देखिए। तो गाइस मेरी भी चाय हो चुकी है, ये देखिए रेडी, मैंने अपनी चाय निकाल ली है। और गाइस दोपहर में मैंने जो मेहंदी भिगोई थी वो मैंने आज बालों में लगाई है, तो अब बाल थोड़े ठीक लग रहे हैं। काफ़ी रफ हो गए थे मेरे बाल, तो काफ़ी दिन से मैंने लगाई भी नहीं थी, तो लगाई है अभी, मैंने शैम्पू नहीं किया है, थोड़ी खुजली हो रही बाल में, तो कल शैम्पू करेंगे तो और भी अच्छे हो जाएंगे, और मेहंदी लगाने से काफ़ी अच्छे हो जाते हैं बाल। और देखिए हल्के हल्के रेडिश भी लग रहे हैं, नूपुर मेहंदी लगाई है। मेहंदी लगाने के बाद शाम को मैंने हेयर वॉश किए, नहाया, नहाने के बाद पूजा की, पूजा करने के बाद फिर आपने देखा चाय बनाई, बच्चों को हमने दूध ब्रेड दिया, ये मेरा पूरे दिन का रूटीन था। और भी छोटे मोटे जो काम थे वो सारे काम हमने किए, अब रात के खाने की तैयारी करनी है। और ये देखिए बच्चे हमारे नाश्ता कर रहे हैं, और टीवी भी चल रही है। तो गाइस हो चुकी है काफी रात, और मैंने रात के खाने में बनाया है सिंपल दाल चावल, और अभी तक मैंने अपने ब्लॉग का एंड नहीं किया, तो मैंने सोचा कि चलिए अपने ब्लॉग का एंड कर लेते हैं, क्योंकि अब मुझे अभी करनी है एडिटिंग, और मुझे धुलने हैं फिर रात के बर्तन। मेरे सारे बर्तन अभी रखे हुए हैं, क्योंकि मैं रात को ही बर्तन अपने वॉश कर लेती हूँ, सुबह काफ़ी और भी काम होते हैं, ये देखिए। तो मैं अब करूँगी अपने बर्तनों को वॉश, और उसके बाद करूँगी अपने वीडियो की एडिटिंग। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और आज के लिए बस इतना ही, तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय, गुड नाइट।